कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। आपको बता दें कि पूरी भव्यता के साथ जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। खास बात यह है कि तेज गर्मी को देखते हुए इस बार मंदिर में बिछायत और शेड भी लगाए गए हैं। हर साल जन्माष्टमी पर गोविंद देव जी मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस बार भी मंदिर में यही माहौल रहेगा। ऐसे श्रद्धालुओं को अपने भगवान के दीदार करने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से झांकियों का समय भी बढ़ाया गया है। जयपुर पुलिस ने सुरक्षा के तमाम इंतजाम पुख्ता किए हैं। इसके साथ ही मंदिर परिसर में अंदर और बाहर चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए कैमरों के माध्यम से निगरानी व्यवस्था की जाएगी। तकरीबन 500 पुलिसकर्मी और अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया गया है। श्री कृष्ण की जो भक्ति है उसके नमूने देखे जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण की लीला की, तो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जो श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उनकी लंबी लाइनें हैं, उनकी लंबी तादाद है। वहीं आज हम मौजूद हैं आराध्य गोविंद देव जी के मंदिर में, जहाँ पे जन्माष्टमी का जो पर्व है वो बेहद ही धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। और इस बार भी जो गोविंद देव जी मंदिर में जो तैयारियाँ हैं वो की जा चुकी है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बधाई संदेश के जो ये ध्वज हैं वो लगाए गए हैं, रंग बिरंगे जो ध्वज हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ पे जो निकास द्वार है और प्रवेश द्वार है उस पे तैयारियाँ की गई हैं, ताकि जब भक्तगण यहाँ पे पहुँचे तो उन्हें किसी भी तरीके की असुविधा ना हो और सभी लोग यहाँ पे आराम से जो दर्शन है वो कर सके। वहीं दूसरी ओर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे झांकी जो है वो लगाई गई है श्री कृष्ण की, बलराम की, उनकी जो बचपन की जो कथाएँ हैं वो यहाँ पे झांकी के तौर पर चित्रों के द्वारा यहाँ पे दिखाई जा रही है। और इसी तरीके से पूरे जयपुर पूरे मंदिर में जो तैयारियां हैं वो की जा चुकी है। और इस बार का जो थीम है पंडाल का, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो लहरिया रखा गया है। लहरिया इस बार विशेष करके रखा गया है क्योंकि सावन के तुरंत बाद इस बार जन्माष्टमी जो है वो मनाई जा रही है, और लहरिया का जो थीम है इस बार वो रखा गया है। और विशेष तौर पर जो लहरिया है उसका इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर जो बधाई संदेश है वो लगाए गए हैं, और जो पंडाल है वो यहाँ पर सजना शुरू हो चुका है, और कल यहाँ पर जो पंडाल है वो सजकर पूरा तैयार हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि मंदिर के दोनों तरफ बैरिगेटिंग्स भी लगा दिए गए हैं, ताकि जब भक्तगण यहाँ पे पहुँचे तो किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। महिलाओं और पुरुषों के लिए जो लाइनें रहने वाली है वो सेम रहने वाली है, लेकिन 3 से 4 जो पार्टीशंस हैं वो किए गए हैं, ताकि एक ही जगह जो है भीड़ इकट्ठी ना हो। वहीं आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से जो भगवान का जो श्रृंगार है वो प्रतिदिन किया जाएगा। जन्माष्टमी तक ये जो श्रृंगार है ये चलेगा, और हर दिन कुछ ना कुछ जो नई थीम है वो रखी गई है। वहीं मंदिर को बेहद ही खूबसूरत फूलों से आज सजाया जा रहा है। शाम को भी आज यहाँ पे भजन कीर्तन के कार्यक्रम जो है, भजन मंडलियाँ जो है वो यहाँ पे पहुँचती है। और सबसे खास बात ये है कि गोविंद देव जी के मंदिर में केवल जयपुर के ही नहीं, बाहर से भी जो भक्तगण हैं वो यहाँ पे पहुँचते हैं, क्योंकि बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। और वहीं साथ में जो फॉरेनर्स हैं वो भी श्री कृष्ण की भक्ति में यहाँ पे लीन नजर आते हैं। कैमरामैन विक्रम के साथ प्राची सैनी, सच पे धड़क, जयपुर।